अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर आरज़ू, आप देख रहे हैं अपना चैनल इस्लामिक रीजनिंग। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि इनसे पिछले वाली जो मैंने वीडियो डाला था वस्तानिया रिजल्ट 2021 का, तो आप सभी का चेक नहीं हो रहा था, इसका रीज़न बताते हैं साथियों। और हमारे पास भी वक्त बहुत कम थी, इसके वजह से हम आप सभी के कॉमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाए और मैं कहीं चले गया था साथियों, इसके वजह से मैं कुछ ऑन भी नहीं कर पाया कि आप सभी का कुछ देख सकता हूं। इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूं कि आप सभी को मैं टाइम पर वक्त पर कुछ रिप्लाई नहीं दे पाया। तो चलिए आज फिर से बताते हैं पूरी डिटेल में कि वस्तानिया रिज़ल्ट किस तरह हम चेक करेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आप सभी को जिस तरह उस वीडियो में बताया हमने, उसी तरह आपको सिंपली टाइप कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना साथियों। जिस तरह मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए। उसके बाद देखिए, अब जिस तरह क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे उसमें सिंपली हमको लिख देना क्या, BSMEBORG। देखिए मेरा यहाँ लिखा हुआ साथियों, इस पर हम क्लिक करते हैं, आ ही जाएगा। नहीं दोस्तों, फिर मैं बता दूं ताकि आप सभी को कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए साथियों, यहाँ लिखिएगा BSMEB.ORG। देखिए साथियों, यहाँ पर आ गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, ये देखिए आ गया यहाँ पर। इसी तरह आपको क्लिक करके सर्च करना है, डायरेक्ट सर्च के ऑप्शन पे जाते ही आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। और उसके बाद नीचे नीचे इधर उधर नहीं भटकना है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं हम। देखिए इस पर क्लिक करते ही देखिए वेबसाइट ये मदरसा बोर्ड का ओपन हो गया है। तो साथियों आपको कहीं नहीं जाना है, मैं जल्दी में बता रहा हूँ। ये देखिए वस्तानिया, इधर ये छुपा हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह बच्चे एक तरह रहता तो ये बच्चे वाला एग्ज़ाम है, तो ये देखिए छुपा हुआ। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए चलिए क्लिक करते हैं साथियों। देखिए आप सभी का ये क्लिक करते ही ओपन हो गया है। यहाँ पर जो करना क्या है आप सभी देखिए, उस समय से ये जो है ना, क्या कहते हैं, वेबसाइट पर जो ये लिंक डाला था ये अपडेट नहीं हुआ था साथियों, क्योंकि इस समय में खबर नहीं थी, आज अब अभी मालूम चल रही है। तो चलिए देखते हैं अब किस तरह चेक करें। तो आप सभी ने हमको कुछ कमेंट में कमेंट किया था कि क्या कहते हैं कि इतना मेरा ये है रोल कोड है, इसको चेक करें। तो देखिए साथियों, आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोड मांग रहा है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोड में देखिएगा एडमिट कार्ड के आपके ऊपर वस्तानिया लिखा होगा, जहाँ पे लिखा होगा रोल नंबर, इस तरह रोल नंबर लिखा होगा ना साथियों, वहीं पे डिस्ट्रिक्ट का कुछ शॉर्ट नेम लिखा हुआ रहता है, जिस तरह STM लिखा हुआ रहता है, उसके बाद होता है KTH, इस तरह कुछ जो आपका डिस्ट्रिक्ट का होगा वहाँ पर लिखा होगा साथियों। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमको सारा कैपिटल लेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिस तरह हम डालते हैं। देखिए एक साथी ने हमको भेजा तो उसका चेक करके बताते हैं आपको, हम ये S डाल दिए तो अब हमको T जो है ये स्मॉल में नहीं डालना है, इसको भी साथियों कैपिटल में डालना है। तो ये देखिए हम कैपिटल में डालें, उसके बाद ये डालें, अब उसके बाद देखिए इसका रोल नंबर जो है इतना है, बस इतना डाल के साथियों उसके बाद इस तरह क्लिक कर देना। यहाँ देखिए ये इसमें भर के भरते ही यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा पब्लिश रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखे होंगे पहले आप, ये जो है कुछ अजीब कलर का था, ये इस कलर का था, लेकिन अब देखिए पूरा ब्लैक हो गया। सिर्फ इसी पे आपको क्लिक कर देना, देखिए आपके पास रिजल्ट खुल कर आ जाएगा। तो ये देखिए साथियों इसका रिजल्ट आ गया है, खुल कर आ गया। आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरा चीज़ डिटेल जान सकते हैं। देखिए साथियों आ गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप सभी का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया साथियों, क्योंकि इस चैनल पर कोई फेक वीडियो आज तक नहीं बना है। इसलिए साथियों जाते जाते आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है साथियों, एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा साथियों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।